कर दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं एजेलिया का प्लांट। और एजेलिया स्प्रिंग में बहुत अच्छा चलने वाला फ्लावर प्लांट होता है दोस्तों, और विंटर से लेके स्प्रिंग तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। और अभी देखिए मेरा एजेलिया में भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग आया है। और ये सिंगल पेटल है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे वाई कलर में है और बहुत ही प्यारा लगता है इसका फूल दोस्तों, प्लास्टिक जैसा ही आपको दिखेगा। और बहुत ही नाजुक प्लांट है और बिगिनर्स के लिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। इसका केयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। पहला चीज़ है देखिए इसका पॉटिंग मीडिया। पॉटिंग मीडिया इसका लाइट ही लीजिएगा आप, जैसे कि राइस हस्क और लीप मोल्ड, ऐसा चीज रहना चाहिए दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर रहना चाहिए। और आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट और सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल बहुत ही कम लेना है आपको, और लीप मोल्ड और आपका राइस हस्क ये सब आपको 60% के करीब डालना है। इसका रूट बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों, और मीडिया भी सॉफ्ट चाहिए इसको, और रूट ज़्यादा नीचे तक भी नहीं जाता, इसीलिए आप छोटे से गमले में लगा सकते हैं इसको। और बड़ा गमला कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि बड़े गमले में इसका पानी ज़्यादा ठहरता है और रूट रॉट होने का चांस रहता है। और दोस्तों हार्ड सॉइल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, हार्ड सॉइल में अगर आप इसे लगाते हो तो डेड हो जाता है दोस्तों, इसका ब्रांच सब सूखने लगता है, डाईबैक होने लगता है। और इसका पत्ता देखिए थोड़ा डिसकलर होने लगा है। तो दोस्तों अभी इसमें बर्ड्स है, इसीलिए मैं इसमें कुछ फोलियर स्प्रे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। केमिकल का स्प्रे मत कीजिएगा आप, अब इसमें आप लीजिएगा आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो उसका स्प्रे कीजिएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं बस चुटकी भर, और ऐसे ही आप इसे देखभाल कीजिए दोस्तों। और इसमें आप यहाँ पे भी आप जाइम और सीवीड ऐसा चीज़ डाल सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं दोस्तों। और अगर केमिकल देना चाहते हैं तो बस इतना छोटा सा ही एक चुटकी एनपीके 19-19-19, लेकिन केमिकल ज़्यादा नज़दीक मत दीजिएगा प्लांट का, क्योंकि इसका रूट बहुत ही नाजुक होता है और प्लांट बर्न भी हो सकता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक के ऊपर आपको जाना ही ठीक रहेगा। मैं ऑर्गेनिक ही डाला था देखिए, और फूल बहुत आया है। इसमें मैं डाला था दोस्तों आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड, और डाला था मैं दोस्तों इसमें बोन मील। बोन मील भी हड्डी का जो चूरा आता है वो मैं डाला था। और स्प्रिंग इसका बहुत बढ़िया टाइम रहता है, तो स्प्रिंग में अगर आप इसका देखभाल करते हो तो बहुत सारा फूल देता है दोस्तों। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसका फूल लास्टिंग भी करता है दोस्तों बहुत दिन तक, तो एक बार खिलता है तो आप फूल को एंजॉय भी कर सकते हो। और अभी देखिए सारे ब्रांच के ऊपर आपको बर्ड्स दिखेगा, ये यहाँ पे देखिए न्यू ग्रोथ अगर आता है तो उसमें दोस्तों बर्ड्स आ जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको जनवरी और फरवरी में फर्टिलाइजर देने की, तो दोस्तों इनकरेज कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने की। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा फूल दिया है दोस्तों, और ये सब यहाँ पे देखिए ये सब खिले थे दोस्तों। तो रेगुलर इसमें फूल आता रहता है, और प्लांट आपका जितना पुराना होता है फूल भी उतना देता है। इसका डबल वेराइटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों इसका डबल वेराइटी। मैं नर्सरी में लाया था इसको पॉलीबैग में ही, और ये लाया था दोस्तों नवम्बर में, और नवम्बर में बहुत अच्छा फ्लावरिंग किया था इसमें। और अभी देखिए यहाँ पर फिर फ्लावर आ गया है, और ये गुलाब जैसा ही आपको दिखेगा, बहुत प्यारा फूल रहता है। लेकिन डबल वैरायटी थोड़ा नाजुक होता है दोस्तों, इसे समर में आपको बचाना पड़ेगा। लेकिन ये सिंगल पेटल बच जाता है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्लांट है। तो डबल और सिंगल में मैं रेकमेंड करूंगा आपको सिंगल दोस्तों। इसका प्राइस रहता है नर्सरी में 100 से लेके 300 रुपया तक, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और जितना पुराना प्लांट आपको उतना महंगा मिलेगा। तो ज़्यादा छोटा प्लांट आप मत लाइएगा, मीडियम वाला ही ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी मत लाइएगा, ज़्यादा बड़ा कॉस्टली आएगा। तो मीडियम साइज का प्लांट, करीब 1 फुट के प्लांट आप लाइएगा। तो दोस्तों आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में। नमस्कार।